अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए महापुरुषों ने कहा है पुण्य बढ़ाओ। आप पुण्य बढ़ाओगे ना तो सामने से लोग आकर आपको ऑफर करेंगे, ऐसा करे वैसा करे, फिर भी आपकी जो इच्छा हो वैसा करे। इसलिए कहा अपेक्षा जीवन मत रखो, पत्नी के प्रति भी हमदर्दी रखो, माता पिता के प्रति भी विनय का भाव रखो। और अपेक्षा का मूल दुख का कारण अपेक्षा ही बनती है। आवेश आता है अपेक्षा से, आवेश यानी उतावल आती है, जब काम नहीं होता अपना मन चाहा, फिर अधीरे मतलब अपन आवेश में आ जाते हैं, फिर अपन अपने जीवन के अंदर एकदम ऐसी गंथी है, ऐसी गांठे बांध के बैठ जाते हैं कि सामने फिर कोई मामा है कि काका है कि भांजा है कि भतीजा है कि पत्नी है कि माँ है कि बहन है, व्यवसाय है कि काकोसा है, कोई अपन को नहीं रहता है भान, बस मेरे कहा वो नहीं हुआ। इसलिए क्रोध क्रोध क्रोध। और अपन देखते हैं आजकल संसार के अंदर अपेक्षाओं के कारण से ही लोग निष्फलता जब पाते हैं। इच्छा थी 100% मार्क आवे, पर 100% मार्क नहीं आए और फेल हो गए, तो बच्चे ओ विद्यार्थी ओ युवक ओ युवती क्या करते हैं, कोई तो ट्रेन के नीचे जाकर अपना जिंदगी पूरी कर लेते हैं, कोई तो आपघात कर लेते हैं, कोई व्यक्ति प्रेम में निष्फलता मिलती है तो तब भी आपघात कर लेता है, क्योंकि आवेश है ना, क्रोध है। आपघात करने का, सुसाइड करने का कारण क्या? अपेक्षा ने, दिल की इच्छाएं ने, वो इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो उन्हें मानव भव की कोई कीमत नहीं मालूम पड़ी, उन्हें बस एक सेकंड में जिंदगी अपनी खत्म कर दी है। इसलिए पुण्यवानों, अपन अपने जीवन के अंदर मानव भव जो मिला बहुत बड़ा दुर्लभ है, बहुत बड़ा अमूल्य है। इसलिए क्रोध के ऊपर सबसे पहले कंट्रोल लाना, क्रोध बहुत भयंकर है। आवेश वृत्ति अपने जीवन के अंदर छोटी छोटी बातों के लिए अपने मन को परेशान कर देती है। आवेश वृत्ति, क्रोध वृत्ति, अपेक्षा वृत्ति अपने मन को परेशान कर देती है। आत्महत्या तक के द्वार तक एक क्रोध अपन को खींच के लेके जाता है। तो पुण्यवानों, महापुरुषों ने अपन को बताया है कि क्रोध बहुत बड़ा ही भयंकर है। क्रोध से पारस्परिक जो प्रीत है, जो प्रेम है, वो नाश हो जाता है। आप साथ में घूमते हो, साथ में बैठते हो, साथ में खाना खाते हो, मगर आपकी अपेक्षा कोई अलग आ गई, सामने वाले की कोई अपेक्षा अलग आ गई, तो फिर क्या हो जाता है? अपेक्षा टूट जाती है। एक जन छोड़ दे, यदि आपको समाज में एकता रखनी है, यदि आपको घर परिवार में एकता रखनी है, यदि आपको अपने जीवन के अंदर शांति रखनी है, यदि आपको अपने समस्त भाई बंधुओं को, कुटुंब परिवार को साथ में लेके चलना है ने, आप एक बार जता दीजिए अपनी अपेक्षा, पर सामने वो अपेक्षा कोई स्वीकार नहीं करता है ने, तो सरल बन जाइए और लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए। कभी भी समाज में द्वंद्व वाद विवाद खड़ा नहीं होगा। और हम साधु लोगों को भी हमारी है एनर्जी, हमारी शक्ति है, हमारा ज्ञान ध्यान, हमारी माला छोड़ने का मौका नहीं आएगा। ऐसे तो कोई साधु छोड़ते नहीं है अपनी माला, ऐसे कोई साधु छोड़ते नहीं है अपना स्वाध्याय, वो तो अपनी भक्ति में मस्त रहते। मेरा जैसा कोई पागल साधु होता है, पागल बोलता हूँ मैं मेरे खुद को, कि जो समाज के लिए, गांवों के लिए खुद का सब छोड़कर अपना गमा देते हैं। क्यों? आप लोगों की अपेक्षाएं इतनी लंबी चौड़ी है, हमें आपकी अपेक्षा हो जाए कि मैं ही नरेंद्र मोदी बन जाऊं, अरे नरेंद्र मोदी ना बनूं तो अमित शाह तो मुझे बनना ही है। आप कितना भी दिल्ली का चक्कर काटो, आप कितनी बार भी जाओ वहाँ पर, हैं क्या बन सकते हो? भले अपेक्षा आपकी बहुत बड़ी है, मगर पुण्य तो चाहिए कि नहीं? बिना पुण्य कोई भी अपेक्षा कभी पूरी नहीं होती है। इसलिए जीवन के अंदर एक सूत्र पक्का बना लो कि बात जरूर बताना, अपेक्षा जरूर रखना, पर जब लगे कि अब अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है तो मेरे निमित्त मैं
समाज में, घर में, परिवार में, दोस्तों में, मित्रों में हमारी पारस्परिक जो प्रीति है, जो प्रेम है, जो हमारी आँखों में क्या है, एक दूसरों के प्रति कुछ न कुछ अच्छा करने का जो सोच है वो नाश नहीं हो जाए। वधारे गुजराती में लख्यू छे के तमे कोई चीज ने वधारे खेचो ने तो तूटे, अने तूट्या पछी एने साधो ने तो वचमो हाधो साधा रह जाता है। गांठ भी लगावो ने तो गांठ रह जाती है। जिंदगी भर के लिए वो गांठ कभी जा नहीं सकती है। इसलिए क्रोध बहुत खराब है। क्रोध से व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। जिस व्यक्ति को ज़्यादा क्रोध आता होगा ने, देखना वो मानसिक संतुलन खो बैठेगा। हाँ, इतना बोलेगा कि सामने कौन माता है, पिता है, भाई है, बहन है, उसका कोई उसको पता नहीं रहता है। इसलिए क्रोध जो है ने परलोक में अपन को दुर्गति में ही लेके जाता है। सदगति में कभी क्रोधी व्यक्ति नहीं जा सकता है। क्रोध अशुभ कर्म का बंद करवाता है। क्रोध से संसार की वृद्धि होती है, पुण्य की वृद्धि कभी नहीं होती है। वैर वैमनस्य भी बढ़ता है क्रोध से ही। इसलिए पुण्यवानों, क्रोध आने के साथ ही बातचीत में शांतता, प्रियता और प्रेम भी विसर्जित हो जाता है। जो अपन प्रेम से बात करते हो, जो धीमे से बात करते हो, वहीं यदि बीच में यदि क्रोध आ गया, आवेश आ गया तो फिर चिल्लाहट चालू हो जाती है, सभ्यता खत्म हो जाती है। क्रोधी व्यक्ति शांति से कभी भी किसी के सामने पेश नहीं आएगा। छोटी बात होगी ना तो अभी वो जोर जोर से बोलेगा, लोगों को लगे कि झगड़ा हो गया है। इसलिए क्रोधी व्यक्ति कभी भी शांति से पेश नहीं हो सकता है। क्रोध के साथ ही आप देख लेना, ये मुख की प्रसन्नता चली जाती है। घनी मुखत क्या ना घना लोग के हो, मैं हनुमान जी वेगिया के कहाँ हो गए। जिस आदमी को क्रोध आ जाता है ने तो जैसे जैसे क्रोध स्टार्ट होता है ने, वैसे वैसे उसके मुख की रेखाएं, आँख की उसकी जो चमक है, मोढ़े का जो रूप है, और तुरंत चेंज हो जाता है। इसलिए प्रसन्नता गायब हो जाती है। क्रोध के आवेश में अग्नि शर्मा ने गुणसेन के मारने के नियाना कर लिया है। क्रोध इतना भयंकर कोटि का है कि पार्श्वनाथ प्रभु ने उस कमट को एक गलती बताई थी कि भाई तू क्या ये धर्म कर रहा है, ये अग्नि के अंदर सांप जल रहा है। अरे तुम तो राजकुमार को, तुमको क्या पता पड़े, जाओ कि नहीं नहीं है उसमें सांप जल रहा है। जो अपने सेवक के पास से लकड़ी चिराई तब उसमें से जलता हुआ क्या निकला, सांप निकला। बस उस तपस्वी ने गलत ले लिया कि इतने सारे लोगों के बीच में मेरी गलती इसने निकाली कि नियाना कर लिया कि मैं मरकर ऐसा बनूं कि इसको सिद्धा करूं। कि क्रोध बहुत खराब चीज है। फिर वो साधु को आता हो तो भी खराब है, और ग्रस्त को भी आता हो तो भी क्रोध खराब है। और मरकर क्या हुआ, कमठ हुआ। भगवान तो संन्यास लेकर दीक्षा स्वीकार करके आराधना में लग चुके थे, और एक दिन उस कमठ ने अपने अवधि ज्ञान से देखा, मालूम पड़ा कि हाँ वही है, और उनके ऊपर आकर अनेक प्रकार के उपसर्ग शुरू कर दिए, अनेक प्रकार के कार्यों से उनको डुबाने की कोशिश किया। क्योंकि क्रोध इस भाव में भी दुखी करता है, मरने के बाद भी ये क्रोध अपन को दुखी कर देता है। इसलिए क्रोध आते ही अपने जीवन में से विनय, विवेक, मर्यादा खत्म हो जाती है। क्रोध आवेश में जब आ जाता है तो लंबे पुराने जो रिलेशन है ने वो भी अपने खत्म हो जाते हैं। एक जरा सी बात पर, एक कवि ने लिखा है, एक जरा सी बात पर, छोटी सी बात, एक जरा सी बात पर वर्षों के यारान आ गए। कौन गए? एक जरा सी बात पर वर्षों के यारान आ गए, पर कुछ नहीं, मगर कुछ नहीं,
इतना तो हुआ कि कुछ लोग पहचाने गए। जब आदमी क्रोध में आकर अपना असली स्वरूप पैदा प्रकट करता है ना, तब मालूम पड़ता है कि आदमी कैसा है। यदि अच्छा है, सच्चा है, पक्का दोस्त है या पक्का भक्त है, तो कितनी भी समस्या खड़ी क्यों ना हो जाए, वो कभी भी आवेश में नहीं आवेगा, वो कभी भी क्रोध में नहीं आएगा। और क्रोध में आ गया, आवेश में आ गया, नहीं बोलने का बोल दिया, तो आप उसको पहचान लेना, कुछ नहीं, इतना तो हुआ कि कुछ लोग पहचाने गए कि उनकी मूल प्रकृति क्या है, उनका मूल स्वभाव क्या है। इसलिए ऐसी कोई स्थिति अपने जीवन में घटित न हो। इसलिए क्रोध को क्या देना है, तिलांजलि। क्रोध को क्या करना है, विदाई देना है। यहाँ पर महापुरुषों ने कहा है, चत्तारी एक कसिना कसाया सिंचंती मुलाएं पूर्ण भवस्य। दसवें कालिक नाम के आगम ग्रंथ में लिखा है कि जो व्यक्ति कसिना यानी कसाय रूपी एक क्रोध को अपने जीवन के अंदर सींचता रहता है, क्रोध छोड़ने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे छूटेगा नहीं। हाँ, उसके उपाय अगली शिविर में बताऊंगा मैं। आज तो खाली क्रोध कितना खतरनाक है वो मुझे बताना है। तो पुण्यवानों मुलायम पुण्य भवस्य, अनेक भवों के अच्छे कर्म बंधे हुए जो पुण्य के मूल है ने, उसको वो खत्म कर देता है क्रोध। इसलिए ज्यो ज्यो कोई आदमी मर जाए अन मुर्दा पड़ा रहे तो उसके अंदर क्या बढ़ता है, दुर्गंध बढ़ती है न, इसलिए जल्दी मुर्दा को बाहर निकाला जाता है। मुर्दा यदि जितना ज़्यादा अपन संग्रह कर रखेंगे उतनी दुर्गंध गंध बढ़ती है। वैसे जैसे जैसे अपन अपने जीवन के अंदर क्रोध को पकड़ के रखेंगे, क्रोध का ज़्यादा संग्रह करेंगे, उतना जीवन में वैर वैमनस्य बढ़ता रहता है। एक छोटा सा कोई अवसर आ गया हो और उसमें क्रोध आवेश बांध लिया, फिर कितने वर्षों तक उसके घर नहीं जाना, वो समझे उसके घर नहीं जाना, वो समझे इसके साथ नहीं बोलना, ये समझे उसके साथ नहीं बन जाए, ये क्रोध का कारण है, ये आवेश का कारण है। अरे देखो, जो घटना होता है वो घटती जाती है, जो भवितव्यता होती है वो होती रहती है, उसको भूल जाओ, उसको पकड़ के मत रखो। प्रेम शाश्वत चीज है, प्रेम हमेशा साथ आने वाली चीज है। इसलिए क्रोधो धर्म ध्रुव ज्वला जीव व स्वपर दाहक। क्रोध जो है ने धर्म रूपी वृक्ष को जलाकर खत्म कर देता। क्रोधो धर्म ध्रुव ज्वाला, क्रोध अपनी जीवन में जितनी भी की हुई अपनी आराधना है, धर्म क्रियाएं, उसको जलाकर क्या कर देता है, साफ कर देता है। क्रोध स्वपर दाहक, क्रोध जिस व्यक्ति को बार बार आ जाता है ने, वो स्व पर यानी अपन को भी नुकसान और सामने वालों को भी उभय दोनों को भी वो नुकसान जलाने का काम करता है। इसलिए क्रोध है क्रोध पूर्व तनु संयम फल जाए, क्रोध सहित तप जे करे ते तो लेखे न थाए। क्रोध के साथ जो भी कुछ करते हैं सब फोगट चला जाता है, सब अपने हाथ में कुछ आता नहीं है। इसलिए क्रोध बहुत बड़ा ही नुकसान कारक है। इसलिए पुण्यवानों यहाँ पर बताया है कि क्रोध क्या खराब चीज है। एक योद्धा था, योद्धा यानी सैनिक, लड़ने वाला, सरहद के ऊपर जान देने वाला, बड़ा बहादुर योद्धा एक बार अपने गांव में आया। वहाँ पर महान संत हाइकुन, जापान की एक घटना है, और जापान के अंदर बहुत बड़े संत हुए हाइकुन, और उनके पास आया, बैठा, नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद उसने बोला, महाराज जी मेरे मन में एक शंका है, आप कभी भी गुरुदेवों के पास जाओ ने, अपने मन में जो भी जिज्ञासा हो, जिस चीज़ों की अपन को बरोबर ज्ञान मालूम नहीं है, आप पूछिए, सत्संग उसको बोला जाता है, सत्संग करिए। तो उस
योद्धा ने हाईकुंड नाम के संत को पूछा, गुरुदेव मेरी एक शंका है। कि बोल बोल भाई, क्या शंका है? तो कि स्वर्ग और नरक है कि नहीं है? स्वर्ग और नरक है कि नहीं है, संत को पूछा। संत भी होशियार थे, विद्वान थे, पढ़े लिखे थे। उन्होंने सामने पूछा, तू क्या करता है, तेरा व्यवसाय क्या है, तेरा बिजनेस क्या है, तेरी लाइफ में तू अभी क्या कर रहा है? कि सवाल पूछा, क्या स्वर्ग और नरक है कि नहीं? कि संत ने पूछा, तू क्या करता है? उसने बोला, महाराज सरहद पे देश की रक्षा करता हूँ, सैनिक हूँ, शस्त्रजीवी हूँ मैं। क्या हूँ मैं? शस्त्रजीवी हूँ। संत ने पूछा, अरे तू सैनिक, तू शस्त्रजीवी, तेरा मुंह तो लगता है भिखारी जैसा। के क्या बोला संत ने? तू बोलता है मैं शस्त्रजीवी हूँ, तू तेरे मुंह के ऊपर से तो लगता है भिखारी जैसा। मुंह के ऊपर तो माखी उड़ाने की ताकत नहीं है तेरी। के सैनिक था, 24 घंटा शस्त्र अस्त्र बंदूकें चलाने वाला आदमी था। संत ने कहा, या तेरे जैसे को लश्कर में किसने एंट्री दे दी? के ये शब्द जिसे सुना उसने, उस सैनिक ने, सुनते ही वो लाल पीड़ा हो गया, सुनते ही वो लाल पीड़ा हो गया, कुछ बोल नहीं पाया वो। मगर धीमे धीमे महाराज ने जैसे जैसे बोलना किया, वैसे वैसे धीमे धीमे उसका हाथ यहां चला गया। कहां पे? जहां पर उसकी गन रही हुई थी। संत यह देखकर हंसने लग गए। जैसे उसने अपने गन के ऊपर हाथ लगाया, वैसे संत हंसने लग गए और बोल उठे, जैसा तू है वैसी तेरी एक गन होगी कि गोली बिना की खाली होगी।